हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छा से होंगे। आज हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है क्या। विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करता, अनुभव करता है। और बल जब अनुभव करता है किसी आवेश पर, तो वहां से जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर आप समझिए कि यहां लिखा क्या है कि किसी आवेश के चारों तरफ अगर कोई भी अगर आवेश है, यहां पर कोई भी आवेश क्या है, क्यू है। तो कोई भी आवेश अगर क्यू होगा तो अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो कहां पर करेगा? दूसरा चार क्या होगा? क्यू1 पर। तो ये जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इस क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो इसमें दो तरह की बात है, या तो इसमें आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। अगर आकर्षण होगा तो अगर एक चार्ज क्या है प्लस है तो दूसरा चार्ज क्या होगा? माइनस होगा। अगर प्रतिकर्षण होगा तो एक चार्ज क्या है अगर प्लस है तो दूसरा चार्ज भी क्या होगा? प्लस होगा। अगर एक चार्ज माइनस है तो दूसरा चार्ज भी क्या होगा? माइनस होगा। तो प्रतिकर्षण कहां? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा आकर्षण। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा आकर्षण। तो यहां पर जो डिफिनेशन कहा था वो समझिए, किसी आवेश के चारों ओर के वह क्षेत्र, तो कोई भी आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र है, चारों ओर के वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का करता अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र एक अपने आप में सदिश राशि है, इसे वेक्टर ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब बात होता है कि बल, हम लोग बल की बात करते हैं, तो अगर कोई भी अगर क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इस चार्ज के बीच, ये दोनों चार्ज के बीच क्या होगा? एक बल लगेगा। ये आपका क्षेत्र हो गया, ये आपका क्षेत्र हो गया, लेकिन ये चार्ज के बीच जो बल लगेगा वह बल आपका क्या कहलाएगा? दोनों चार्ज के बीच जो बल यहां लग रहा है, तो बल ये जो लग रहा है ये किसके चलते आ रहा है? ये बल जो आ रहा है किसके चलते? आवेश के चलते बल आ रहा है। अगर ये आवेश नहीं होता तो बल नहीं लगता, और ना ही अगर ये आवेश नहीं रहता तो क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होता। तो क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए आवेश की जरूरत है, और जब आवेश आएगा तो उसके साथ साथ का बल भी आएगा, बल भी आएगा। तो यहां पर वही बात होगा। तो यहां से हम विद्युत क्षेत्र बराबर जो हमने फॉर्मूला सीखा, वेक्टर ई बराबर एफ बाई क्या? क्यू। एफ बाई क्यू हमने बात यहां किया। अब एक बात और समझिए, अगर आपका बल और विद्युत क्षेत्र, बल और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या होगा, अगर समानांतर है, इसका मतलब है कि आवेश क्या है? धनात्मक है। इससे स्पष्ट हो गया कि अगर आवेश धनात्मक होगा तो विद्युतीय बल और विद्युतीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे का होंगे, समानांतर होंगे, यानी दोनों एक ही दिशा में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। लेकिन अगर यहां पर आवेश अगर क्या होगा? ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो एक दूसरे के विपरीत क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अगर दो बल, अगर हम बल और विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो बल और विद्युत क्षेत्र के बीच अगर एंगल 0 डिग्री होगा, उस स्थिति में ये क्या होंगे? एफ और ई क्या होंगे? समानांतर होंगे। एफ और ई क्या होंगे? समानांतर होंगे। लेकिन अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कि बल आपका इधर जा रहा है और क्षेत्र अगर आपका इधर आ रहा है, तो यहां पर जो चार्ज लगेंगे, यहां पर कितने एंगल बनाएंगे? तो थीटा का मान बनाएगा 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री कब होगा? तो जब विद्युत आवेश, जब विद्युत आवेश क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युतीय बल 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री कोण बनाएंगे। लेकिन अगर समानांतर होगा तो 0 डिग्री कोण बनाएंगे। अब एक बात और समझिए, यहां पर जो हमने क्या किया, ये हमने यहां पर जो डिफिनेशन यहां पर लिखा है, इस बात को समझिए। तो अगर हमको क्षेत्र पता है, यहां पर अगर करना है तो क्या कर, बल चाहिए और क्या आवेश चाहिए। लेकिन अब जरा समझिए, इस आवेश का भी एक अलग क्या कंडीशन है। तो जब यहां पर ई की बात करें, ए बटा क्यू, तो यहां से अगर एफ निकालना होते क्या होगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या होगा? क्यू इंटू हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि विद्युतीय बल जो होता है वो क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है, क्यू इंटू ई होता है। विद्युतीय बल क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। अब एक बात और समझिए आप, कि विद्युत क्षेत्र, अगर ये विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति एकांक
आवेश पर लगने वाला बल होता है। यानी प्रति एकांक जो आवेश होगा, जो यहां प्रति एकांक आवेश की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस आवेश का नाम क्या है? इस आवेश का नाम हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये ऐसा चार्ज है कि जो अपने आप में धनात्मक होता है, क्या होता है? ये धनात्मक होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? नहीं होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। धनात्मक होता है, इसका कोई प्रभाव दूसरे आवेश पर नहीं होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां आपको देखिए क्या क्या लिखा, बल बटा क्या आवेश, बल बटा आवेश। तो बल का मात्रा क्या होता है भाई? न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। लेकिन इस न्यूटन से आपको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? एटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एटी लिख सकते हैं। तो यहां पर एटी लिखेंगे यानी एम्पेयर सेकेंड लिखेंगे। अब यहां समझिए, अगर इसका यूनिट तो हमको पता चल गया, इसका यूनिट क्या होने वाला है ये हमको पता चल गया। एक बात और समझिए कि ये जो इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम, ये किसका यूनिट हो गया? आपका हो गया विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका दूसरा जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो यहां पर आप समझिए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है क्या क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर होता है, और दूसरा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन दिया हूं कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इसमें आपको चूज करना है कौन सही है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये आपने जस्ट आपको सिखा का मैंने भेजा, न्यूटन पर कूलम और क्या वोल्ट पर मीटर, ये आपका ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितने होंगे? दो होंगे। कौन कौन? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक होता है। अब एक बात करते हैं, इसकी बीमा की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बीमा। अब वो बताओ कि यहां पर ये क्या है? यहां पर आपका केजी है, तो अगर ये केजी के लिए हम क्या लिखेंगे? एम लिख सकते हैं क्या? ये मीटर है, ये क्या आपका मीटर है, मीटर के क्या एल लिख सकते हैं क्या? और ये आपका क्या है? सेकेंड है, और यहां पर भी सेकेंड है, तो सेकेंड के लिए टी के पर क्या माइनस थ्री लिख सकते हैं क्या? और ये है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ए के पर क्या माइनस वन। कोई बच्चा बोला कि सर हम इसको कूलम को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अगर कूलम को आप चेंज नहीं करेंगे तो इसका दूसरा मात्रक कैसे लिख सकते हैं? आप जरा सोचिए, यहां ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं एम, और क्या लिखेंगे? एल, और यहां टी के पर क्या? टी के पर माइनस टू, और क्या ये सी है ना? सी के पर माइनस वन। अब आप देखिए यहां पर इसका जो बीमा हो गया दो हो गया, एक आपका हो गया एम एल टी के पावर थ्री और ए के पावर माइनस वन, और दूसरा क्या हो गया? एम एल टी स्क्वायर और सी के पावर क्या माइनस वन। तो अब यहां आपको देखना है कि इसका यूनिट जो इसका जो बीमा होती है, इसकी बीमा क्या क्या हो सकती है। तो आप जरा सोचो विद्युत क्षेत्र का जो बीमा होगा वो क्या क्या होगा। तो एक तो बीमा आपको ये मिल गया, और दूसरा बीमा क्या ये मिल गया। अब यहां देखिए तो कोई ऑप्शन यहां दिख रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र की बीमा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की बीमा पहला क्या मिला? एम एल टी के पावर थ्री ए के पावर माइनस वन, एम एल टी के पावर थ्री ए के पावर माइनस वन। दूसरा क्या मिल रहा है? एम एल टी के पावर माइनस टू सी के पावर माइनस वन, एम एल टी के पावर माइनस टू सी के पावर माइनस वन। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन होगा? इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। अब ये कैसा है आपको पता चल जा रहा है? एक बात और समझिए, विद्युत क्षेत्र एक राशि है। अरे भाई विद्युत क्षेत्र अब यहां समझिए, ये खुद अपने आप में क्या है? ये बल है ना, तो बल के साथ का अगर खुद ये खुद सदिश राशि है, तो जब ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो ये भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो यहां ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए यहां ऑप्शन लगाएंगे। एक बात और समझिए, विद्युत क्षेत्र किस आवेश पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर नहीं करता, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र किस आवेश पर निर्भर नहीं करता है? तो विद्युत क्षेत्र जो होता है परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? ये परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है इस आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कब? जब ये परीक्षण हो जाएगा, तब ये परीक्षण आवेश हो जाएगा, उस स्थिति में ये निर्भर नहीं करेगा। लेकिन अगर परीक्षण आवेश नहीं है तो निर्भर करेगा, परीक्षण आवेश नहीं है
तो निर्भर करेगा, लेकिन जहां परीक्षण आवेश की बात आएगी तो आप बोलोगे निर्भर नहीं करता। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, यहां क्षेत्र छूट गया है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किस आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तो भाई इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, ए परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा ऑब्जेक्टिव अभी चार आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा कि विद्युत क्षेत्र को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र जो होती है ये हमेशा क्या होती है, प्लस से कहां जाती है, माइनस की ओर जाती है, यानी प्लस से चलकर माइनस पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो जब ये रेखा जब चलेगी और माइनस पर समाप्त हो जाएगी तो इसकी एक डायरेक्शन आ गई ना, ये लेकिन ये देख रहे हैं कैसी है, तो देखने में तो ये सीधी है, ये सीधे जा रही है, ये क्या एक रेखा होती है। अगर हम इसको कर्व पर रखें, अगर कर्व अगर ऐसे रखें तब ये रेखा जाएगी तो कैसे, ऐसे जाएगी, लेकिन देखिए कर्व पर जाने पर किसी एक बिंदु पर टच कर रही है, किसी एक बिंदु पर टच कर रही है, मतलब है कि अगर ये प्लस है तो कहां से जा, प्लस से जाकर कहां माइनस पर समाप्त हो जा रही है। तो अब ये देखने में ये क्या है, एक रेखा है, और रेखा ये अपने आप में काल्पनिक होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या करती है जी, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस रेखा द्वारा निरूपित, विद्युत क्षेत्र को किस रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र को विद्युतीय रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है, और ये रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है, क्या होती है, काल्पनिक, ये रेखा काल्पनिक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहां ऑप्शन है पहला विद्युत क्षेत्र रेखा द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वारा, ए तथा बी दोनों, और कहता है कि डी जो है आपका डी काल्पनिक। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सही है, इसमें ऑप्शन आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है। मैं क्या बोला कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा तो होगी ही अपने आप में काल्पनिक भी होगी, तो ये रेखाएं काल्पनिक भी होती है और क्या होती है, रेखा भी होती है। क्लियर, तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक काल्पनिक है। तो आपको काल्पनिक का दिख गया, अब विद्युत क्षेत्र क्या है, एक रेखा है। क्लियर, अगला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। अभी मैंने बोला ना कि ये प्लस से स्टार्ट होगी या धन पर क्या होगी, खत्म हो जाएगी, यानी अगर हम बात करें कि यार मेरा प्लस प्लस आवेश है, अगर ये जा रही है तो किसी न किसी ऋण आवेश पर क्या होगी, ये समाप्त हो जाएगी, ये मान लें कि माइनस चार्ज है तो ये रेखा ऐसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे जाएगी, इसकी रेखा क्या होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब यहां पर कोई भी अगर रेखा इसे खींचेंगे, आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में क्या दिखा, काल्पनिक, ये क्या काल्पनिक है, देखने में तो सीधी है, तो ये प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है और ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है, मतलब उसका वहां पर क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, खत्म हो जाता, मतलब पूरा खत्म हो जाती है। क्लियर, तो यहां आप देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ये कौन सही है, समाप्त हो जाती है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए। एक बात और, अगला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक से निकलने वाली, आवेशित चालक से निकलने वाली रेखाएं चालक के क्या होती है, अगर कोई भी आवेशित रेखाएं होगी, अगर कोई भी, मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, आवेशित चालक है, मान लीजिए कि आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक प्लस 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 प्लस, ये प्लस प्लस है, ये आवेशित चालक है, यहां से रोक जो रेखा निकलेगी, यहां से जो रेखा निकलेगी वो कितना डिग्री एंगल बनाएगी, कहीं से कहीं भी इसको डालिए, कहीं भी जाए कितना एंगल बनाएगी, तो ये रेखाएं जो होती है ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी, आप खुद देखिए ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बनाएगी, कितना बनाएगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का हम क्या बोलते हैं, लंबवत। तो यहां से ऑप्शन है कि आवेशित चालक से निकलने वाली रेखाएं चालक के क्या होती है, लंबवत होती है, समानांतर नहीं होती है, लंबवत होती है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका बी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं बनाती है, देखो यार विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं ना सीधे जा रही है ना, तो स्वाभाविक है कि खुला क्षेत्र इसका क्या है, ये खुला है, इसका कैसा लूप है, खुला लूप है, लेकिन ये क्या नहीं बनाती है, तो ये बंद लूप नहीं बनाती है, कोई भी रेखाएं होंगी तो ये बंद ऐसे जाके गोल नहीं घूम जाएगी, ये रेखा जो जाएगी एकदम सीधे जाएगी,
तो ये खुला लूप में बनाएगी, लेकिन कभी बंद लूप नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं बनाती है, तो यहां पर ऑप्शन दे खुला लूप, बंद लूप, ए और बी, मतलब ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाई यहां पर बंद लूप ये नहीं बनाती, ऑप्शन कौन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। अगला आपका क्वेश्चन 9 नंबर, आप पढ़िए। देखिए तो एक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर, कोई भी गोला है समझिए, यहां पर एक गोला है, इसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? भाई इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि अगर एक समान रूप से क्या ये आवेशित है चारों तरफ, तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा? सेम होगा। प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा? सेम होगा। तो जब विभव सेम होगा, जब यहां प्रत्येक बिंदु का विभव सेम होगा, तो दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा? जीरो होगा ना। अगर यहां पर इसका विभव सब सेम है, विभव सेम है, तो विभवांतर तो जीरो होगा ना। तो जब विभवांतर ही जीरो हो गया, तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यह समझना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप समझिए कि एक समान रूप से आवेशित, ये समान रूप से आवेशित है गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहीं पर इस पर किसी बिंदु पर जाइए, वहां तीव्रता क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? इसमें ऑप्शन होगा बी। एक अगला क्वेश्चन है, आप समझिए यहां पर। देखिए तो एक स्थिर विद्युत आवेश केवल उत्पन्न करता है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। लेकिन वही आवेश अगर गतिशील है तो वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युतीय भी और चुंबकीय भी। तो जनरली अगर आवेशित है, अगर क्या गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और क्या अगर स्थिर है तो क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहां पर आवेश कैसा है आपका? आपका यहां पर आवेश जो है, यहां पर आवेश कैसा है? यहां पर आवेश स्थिर की बात करें, एक स्थिर आवेश, यहां क्वेश्चन पढ़े, एक स्थिर आवेश विद्युत आवेश केवल उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। लेकिन अगर गतिशील होता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता। अगला जो क्वेश्चन आप देखिए कि एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। अब जरा सोचो भाई, यहां समझिए, यहां पर आपको समझना है कि अगर यहां पर एक आवेश है, एक क्यू आवेश है, यहां से आर दूरी पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर जरा सोचिए कि आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर ए बटा क्या पढ़ते हैं, क्यू ना, और यहां पर कोई आवेश का क्यू नॉट होगा, यहां पर कोई आवेश का होगा क्यू नॉट होगा। तो अगर ये आवेश क्यू नॉट होगा तो आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था ना कूलम्ब बल, याद कीजिए। तो कूलम्ब बल के लिए आपने फॉर्मूला एफ बराबर क्या पढ़ा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वन इंटू क्यू अपॉन क्या? आर स्क्वायर। अगर हम यहां पर अगर ये नियम लगाएं, यहां पर जो आपको नियम जो दिख रहा है, तो अगर हम यहां लिखे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 अपॉन क्या? आर स्क्वायर। अब आई का क्यू ना, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? यहां बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन क्या? आर स्क्वायर। अब यहां ऑप्शन आपको देखना है कि इसमें कौन सही है। तो आप देखना है, आपको देखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर ऑप्शन आपका सही। लेकिन आप समझिए, एक यहां पर यह भी दिया है, सेम देखने में दोनों एक ही जैसा है, लेकिन अंतर क्या है? ये माध्यम के लिए आ गया, ये किसके लिए है? माध्यम के लिए। और लेकिन ये कहा है? निर्वात में है। माध्यम अगर बात करता तो बात बदल जाएगी, ये आपके बात है निर्वात का, तो हम लोग बात जो भी कर रहे हैं निर्वात की बात कर रहे हैं, ये आवेश कहा है? निर्वात में है। तो यहां पर यह ऑप्शन कौन होगा? यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव की प्रवणता दोनों का मात्रक समान होता है, यानी मैं बोल रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव की प्रवणता जो होती है, ये दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। इसको बोलते हैं dv/dx बोलते हैं। ये दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। तो आप जरा सोचो, इसका मात्रक आपने क्या पढ़ा था? न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सही। यानी इसका दोनों का मात्रक सेम होता है, याद रखिएगा, दोनों का मात्रक सेम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव की प्रवणता जो होती है -dv/dx क्या होती है? dx होती है। विभव की प्रवणता को क्या बोलते हैं? dv/dx। ये अपने आप में क्या होती है? ये भी एक सदिश राशि है। ये भी क्या है? एक सदिश राशि है।
इसका दोनों का मात्रक सेम होता है, जब दोनों का मात्रक सेम है तो इसका क्या होगा, बीमा भी समान होगी, तो दोनों का बीमा भी समान होगा। तो बीमा आपने पढ़ चुका है, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपने ऑप्शन इसको टिक लगाया तो इसका बीमा भी क्या होगा, इसी के रेंज से आपने बीमा निकाला था वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित क्षेत्रफल से संबंध कुल विद्युत फलस्क, अगर मान लिया कोई एक निश्चित क्षेत्रफल है, मान लिया क्षेत्रफल है, इससे कुल विद्युत फलस्क, तो अगर कुल विद्युत फलस्क की बात करेंगे या प्रत्येक पॉइंट का अगर अलग अलग होगा, कुल की बात करेंगे तो यह इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और एक एक पॉइंट को हम इंटीग्रेट करके लिखते हैं। और यहां पर आपने क्या होगा, ये जब रेखाएं जाएगी देखा होगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इसके साथ जो एरिया जो यहां पर एंगल बनाएगा, जो कोण यहां डीएस जो होगा, जो यहां एंगल बनाएगा ये थीटा, इसी से निकलता है तो वो आपका वैल्यू क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर डीए। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा आपका ए। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी ई वेक्टर डीए किसके बराबर होता है, भाई आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपने क्या पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा आपने पढ़ा था। तो ये डॉट यहाँ लगा हुआ है ना, डॉट ना है, तो इसमें क्या होगा ए बी, तो यहाँ ए के जगह पर कौन है ई हो गया, अब बी के जगह पर कौन है डी ए हो गया, तो ई डी ए कॉस थीटा ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फलस्क का मात्रक होता है, विद्युत फलस्क, तो समझिए कि विद्युत फलस्क होता क्या है, अगर विद्युत फलस्क आप समझ जाएंगे तो इसका मात्रक ऑटोमेटिक समझ जाए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो विद्युत फलस्क को आप कैसे डिफाइन करोगे, फाई। तो यहां समझिए विद्युत फलस्क में आपने देखा क्या क्या देखा, ये आपका इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर हमने देखा कितना, वेक्टर ई आर डॉट वेक्टर डी ए। अब जरा सोचिए इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट आपने पढ़ा था न्यूटन, और क्या होगा पर कूलम, इनटू क्या होगा एरिया है ना, तो एरिया के यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर कूलम क्या मीटर स्क्वायर। अब ये एक बात समझिए, इसके लिए मैंने बताया था वोल्ट पर मीटर भी होता है, इनटू क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो अगर ये मल्टीपल होगा तो क्या होगा वोल्ट मीटर हो जाएगा ना। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर, तो ये भी सही ये भी, ये दोनों क्या है इसके लिए सही है, क्यों आप देख सकते हैं, आप देखिए यहां पर ये आपका जो दिख रहा है वैल्यू कैसे डेट कर रहा है। तो विद्युत फलस का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या बोल सकते हैं वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन कौन आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब जरा समझिए यहीं से हम बीमा भी निकालेंगे, इसी के सहायता से हम बीमा भी निकालेंगे। तो यहां क्वेश्चन है कि विद्युत फलस की बीमा क्या होती है, अब जरा सोचो, आपको भी जस्ट मैंने पढ़ाया कि यहां पर अगर हम इसकी बीमा की बात करते, किसकी बीमा की हम बात करते, इसकी हम बीमा की बात करते इसका, तो विद्युत क्षेत्र का बीमा आपने क्या सीखा था, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया एम लिखेंगे एल आर टी के पर क्या माइनस टू, इतना तो हो गया। और ये पर कूलम है तो बटा में है ना, तो ये पर कूलम को हम बटा में क्या कर ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका ये भी सही हो गया। लेकिन यहां पर क्या है मीटर है ना, आप देखो यहां पर इसमें क्या जा रहा मीटर जा रहा, तो मीटर का मतलब क्या, यहां एल स्क्वायर हो गया, तो अगर ये जाएगा यहां पर अगर इसके टर्म में जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो एम एल के पावर क्या हो जाएगा, एम एल के पावर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर एल तक क्यों हो जाएगा ना, और यह टी जो है टी के पावर क्या माइनस टू और सी के पावर क्या माइनस वन। तो अब यहां आपको देखना है कि इसमें हमारा ऑप्शन सही कौन जा रहा है, ये आपको देखना है, क्योंकि आपने इसका वैल्यू आपने निकाल चुका है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां पर आप देखिए यहां पर क्यूब जा रहा है, लेकिन यहां पर कहीं क्यूब दिख रहा है कि आपको देखिए तो यहां पर नहीं दिख रहा है ना, इसमें कौन ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब ये आपको समझना है कि यहां पर जो एक बात और समझिए अच्छा से इसको, यह समझ लीजिए देखना है आपको, यहां न्यूटन पर कूलम है तो देखना है न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह समझना आपको, और फिर आपका क्या है यहां पर मीटर, यहां क्या कूलम है तो हम कूलम को हम क्या कूलम स्क्वायर रहने देते हैं, और फिर क्या मीटर स्क्वायर तो हम गुणे क्या होगा मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, केजी के लिए हम एम लिखते हैं ना, अब मीटर इंटू मीटर क्या होगा एल के पावर क्या थ्री और टी के पावर क्या माइनस टू हो गया, इतना तो हो गया। और यहां पर कूलम है तो पर कूलम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, तो आपका क्या होगा ये हो जाएगा। अब इसमें आप मिलाइए क्या आपको कोई यहां ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका
इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्यों कि इसका वेक्टर जो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या था अदिश राशि होता है, तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा अदिश राशि क्या होगा बी हो जाएगा। हवा में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है 1/ क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। लाइक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।